नमस्ते एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम कटवर्क स्लीव्स डिजाइन बनाना सीखेंगे। इसे प्रॉपर फिनिशिंग के साथ कैसे बनाते हैं और कैसे फिनिशिंग के साथ अंडरग्राउंड डोरी लगाते हैं, तो आज हम यही सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर 13 इंच लंबी नॉर्मल स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अब हम इसको आगे से फोल्ड करके इस पर एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे, जैसे हम नॉर्मल स्लीव्स को फोल्ड करते हैं। यह देखिए, यह हमारी आगे से फोल्ड हो चुकी है। अब इस पर पैटर्न बनाने के लिए हमने यहाँ पर 8x8 इंच का एक पेपर पेस्टिंग ली है और इसे मैं डबल फोल्ड करके एक बार फिर से डबल फोल्ड कर लूँगी। यहाँ पर हम दोनों स्लीव्स के लिए एक साथ पैटर्न को कट करेंगे। अब हम इसकी ऊंचाई को मार्क करेंगे। आप चाहेंगे जितनी भी ऊंचाई ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर तकरीबन 4 इंच के करीब ऊंचाई ली है और यहाँ पर मैं इसकी गहराई जो है वो 1 से 1.5 इंच तक रखने वाली हूँ। यहाँ पर फिर से हम 2 इंच पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ पर निशान लगाने के लिए हमने जितनी ऊंचाई ली है उसी के अकॉर्डिंग उसके सेंटर में निशान मार्क करेंगे। अब हम जो नीचे हमने निशान लगाए हैं उनको सीधा कर लेंगे और हल्का हल्का हाथ घुमाते हुए यहाँ पर हम राउंड शेप दे लेंगे। अगर आप और शेप डालना चाहते हैं तो आप कोई भी पैटर्न को यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। अब जो हमने पैटर्न ड्रॉ कर लिया है उसे कट कर लेंगे। यह देखिए, हमने पैटर्न को कट कर लिया है। अब हम दोनों स्लीव्स के लिए इसे अलग अलग कर लेंगे। यह देखिए, हमारा पैटर्न है वो कट चुका है। अब हम इसे एक कपड़े पर पेस्ट कर लेंगे। आप यहाँ इसे आयरन के साथ भी, क्योंकि हमने पेपर पेस्टिंग यूज की है, नहीं तो आप सिलाई के साथ नॉर्मल इसे कट करके रेडी कर लें, जैसे हम कोई भी गला अटैच करने से पहले उसे रेडी करते हैं। अब हम अपनी स्लीव्स को लेंगे और इस स्लीव्स पर हम इस पैटर्न को रखकर इसके सेंटर को मार्क कर लेंगे कि यह हमारा जो डिजाइन है कहाँ से कहाँ तक आने वाला है इसके कॉर्नर पर। अब हम अपनी डोरी को लेंगे और जो हमने यह निशान लगाया है, पहले हम इस डोरी को भी सेंटर में कर लेंगे, क्योंकि यह ना हो कि हमारी डोरी छोटी या बड़ी लग जाए। तो अब हम सेंटर के पॉइंट को रखते हुए इस डोरी को जो हमने निशान मार्क किए थे वहाँ तक इसे स्टिच कर लेंगे। यह देखिए, स्टिच हो जाने के बाद अब हमने जो इस पर डिजाइन बनाने के लिए पैटर्न को रेडी किया था उसको रखेंगे और यहाँ पर इस पैटर्न को हम रफली जो है पेस्ट कर लेंगे। आप चाहें तो धागे की सिलाई लगाकर, मैं यहाँ पर जो है पिन के साथ इसे यहाँ पर अटैच कर रही हूँ ताकि हम जब पैटर्न को बनाएं तो वह इधर उधर ना जाए। इसे रफली अटैच कर लेने के बाद इसकी किनारी पर से पक्की सिलाई लगाकर हम इसे अपने स्लीव के साथ अटैच कर लेंगे। यह देखिए, इसे हमने स्लीव्स पर अटैच कर लिया है। अब हम 1 पाउ का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे। अब हम इसको सीधा करेंगे, जैसे नॉर्मल हम अपने गले को सीधा करते हैं। इसको सीधा कर लेने के बाद अब हम इसकी किनारी पर से सिलाई लगाएंगे। तो अब हमने जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक हमारा बाहर नज़र आ रहा है उसे सिर्फ किनारी पर से अंदर करते हुए इसके किनारी पर से सिलाई को लगा लेंगे। यहाँ पर हम पक्की सिलाई का प्रयोग कर रहे हैं। इसके बाद हम जो हमारा एक्स्ट्रा का फैब्रिक बाहर नज़र आ रहा है उसे अंदर करते हुए यहाँ पर से एक सिलाई और लगाएंगे। यहाँ पर सिलाई हम कच्ची लगाएंगे ताकि हम उसे तुरपाई करने के बाद निकाल सकें। ध्यान से देखें, जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ था उसे अंदर करते हुए हम सिलाई को लगाएंगे। अब
अब हम बारीक गोटा पट्टी वाली जो लैस आती है उसको लेंगे और इसकी किनारी पर से करते हुए जहाँ पर हमने सिलाई लगाई थी उसको दबाते हुए इसके कॉर्नर पर से सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लेंगे। यह देखिए हमने एक जगह पर इसके अटैच कर लिया है। अब हम हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए एक और लाइन को अटैच कर लेंगे। यह देखिए मैंने दोनों लाइनों को अटैच कर लिया है। अब हम अपनी जो डोरी है उसको इजीली टाई कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारी जो डोरी है उसके नीचे लटकन को बनाएंगे। इसकी लटकन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर जो लैस का टुकड़ा बच जाता है उसको लिया है और यहाँ पर हम इसे ट्रायंगल शेप देंगे क्योंकि हमें यहाँ पर छोटी छोटी ही लटकने चाहिए, तो हम इसे कट कर लेंगे। और हमारी जो डोरी है उसकी किनारी पर रखते हुए जैसे हम लटकन को स्टिच करते हैं ऐसे ही यहाँ पर इसे बना लेंगे। यह देखिए मैंने यहाँ पर छोटी छोटी दोनों जगह पर लटकने लगा दी हैं और इसी के साथ हमारा जो स्लीव्स का पैटर्न है वो रेडी हो जाता है। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।